हेलो दोस्तों, आज हम साइफरेड्डा टीम की तरफ से आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे कि साइबर बुलिंग होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये हमने जो हमारी वेबसाइट है ब्लॉग्स की cypheradda.blogspot.com, इसका यूआरएल मैं वीडियो के नीचे लिंक में भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी टिप्स मिल जाएंगी। सो इसमें हमने फीचर्स दे रखा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इसके कंटेंट्स को पढ़ सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है, तो आप उन सबको सेलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज में इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज़ साइबर बुलिंग, मेथड्स यूज्ड फॉर साइबर बुलिंग, सो साइबर बुलिंग होता क्या है और क्या क्या तरीके इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं और क्यों लोग इसको करते हैं ये बात करते हैं। तो साइबर बुलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बुलिंग और हरासमेंट यूजिंग डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि जो भी हम डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके अगर किसी को कुछ भी बेकार तरीके से कमेंट करते हैं या उसको कुछ गलत बोलते हैं, वो सब एक साइबर बुलिंग के अंदर आता है। और साइबर बुलिंग एक साइबर क्राइम भी है, तो इन सब क्राइम से आप बच के रहें, इन सब से आप दूर रहें ताकि सिक्योर रह सकें आप। सो ये जो साइबर बुलिंग है ज़्यादातर देखी गई टीनेजर्स में। क्यों? क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं उन्हें इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं या फिर वो क्राइम सह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उन्हें अवेयर करना चाहिए, हमें उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो इस तरीके की चीज़ों का जो है विक्टिम ना बन सकें, शिकार ना हो और इनसे बच के रहें। क्योंकि इससे होता क्या है, बच्चे फिर डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, वो चीज़ मतलब जो लोग होते हैं उनसे अलग होने लग जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स से दूर रहते हैं, घर में चुप रहते हैं, कम बोलने लग जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है। और कई बार बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो सुसाइड भी कमिट कर लेता है। तो हमें उनको इसके लिए अवेयरनेस देनी चाहिए। तो हमें टीनेजर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चे स्कूल्स में हैं या फिर जो अभी अभी कॉलेज में एंटर हुए हैं, स्पेशली इनके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। नए नए कॉलेज में होते हैं तो काफ़ी जोश में होते हैं, वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए। सो साइबर बुलिंग तो क्राइम है ही, लेकिन व्हाई डू पीपल डू इट, लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, ये आपको ही पता है। कोई भी लोग होते हैं किसी को चिढ़ाने में, परेशान करने में लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इस तरीके के जो हरकतें कर रहे हैं वो एक क्राइम है, वो एक क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। तो इसीलिए उन सबको अवेयरनेस के लिए उनको अवेयर करना चाहिए कि आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे सामने वाला काफ़ी हर्ट होता है, उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो कुछ सोशल मीडिया आजकल काफ़ी चल रहा है, ट्रेंड में है, तो सोशल मीडिया पर आजकल बच्चे काफ़ी अकाउंट्स वगैरह फेक अकाउंट्स बना के भी किसी दूसरे से बात करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी बात कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर वो इस तरीके का किसी बेकार भाषा का यूज़ कर रहे हैं या फिर उन्हें बेकार कमेंट्स कर रहे हैं उनकी वीडियोस पे, फ़ोटोज़ पे, तो वो सब साइबर बुलिंग के अंदर आता है। तो इन सब चीज़ों को उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि आप उनका मतलब मजाक उड़ाते हैं, मोस्ट पीपल्स नो व्हेन दे आर बीइंग बुलीड बिकॉज बुलिंग इन्वॉल्व थ्रेट और द रिपोर्ट इंसल्ट। तो कुछ काफ़ी लोगों को पता होता है कि वो बुली हो रहे हैं क्योंकि वो इंसल्ट डेली सहते रहते हैं, उन्हें मतलब जो है बार बार किसी एक ही कमेंट को सुनना पड़ता है बेकार, जो उनको मतलब हर्ट करता है और उनको परेशानी में डाल देता है, तो इसीलिए वो उनको पता भी होता है तो उनके, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम उसे रिपोर्ट कैसे करें या उस तरीक़ों को या किस तरीके से हम उसे हैंडल करें या किस तरीके से उस चीज़ से बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करते हैं। सो मेथड्स यूज्ड फॉर, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं साइबर बुलिंग के लिए, तो आपको पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं अभी शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे साइट पे आके विजिट करके पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसका मेथड है, देखिए पहले मैंने बोला था सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आजकल यूज़ हो रहा है, बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, सब पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर रखा है कि फ़ोन रखिए ताकि वो बिजी रहें फ़ोन्स में और पेरेंट्स की थोड़ी परेशानी सरदर्दी कम हो जाए। लेकिन इससे होता क्या है, सोशल मीडिया का वो गलत यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा। 90% टीनेजर्स के पास, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, 90% टीनेजर्स के पास आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी है, तो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें कि 35% जो है वो फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहते हैं, वो डेली यूज़ करते हैं, और इन सब चीज़ों पे सोशल मीडिया पे जब फोटोज़ पोस्ट करते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, तो वो उनके ऊपर बेकार कमेंट्स कर देते हैं या फिर उनकी फ़ोटो के ऊपर बेकार कमेंट आ रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है, वो परेशान हो जाते हैं, इस तरीके की सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, तो इन सब चीज़ों से उन्हें बच के रहना चाहिए।
तो सोशल मीडिया हो सकता है जिसके थ्रू वो बुली किए जाते हों या फिर बुली करते हों, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और इनसे बच के रहें। इन गेम्स काफ़ी लोग आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, स्पेशली गर्ल्स भी आजकल खेलती हैं, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन गेम्स चले हुए हैं। तो उन सब में क्या होता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू ही वहाँ पे बच्चे गालियाँ देते हैं, गलत भाषा का यूज़ करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनको दूर रखिए। और इन सब अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं या इस तरीके की आपको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो उन्हें या तो रिपोर्ट कर दीजिए या उनसे बच के रहिए। यही तरीके हैं उनसे बच के रहने के। तीसरा है इन सर्च इंजन, काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि जो सर्च इंजन्स हैं, गूगल्स वगैरह है, गूगल, याहू, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट, जो भी हम इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ये सारी अवेलेबल तो वहाँ पे है ही। तो ये सब भी चीज़ें इन टेक्नोलॉजी को रैंक करने में हेल्प करती है और इन सब चीज़ों को आपको मतलब दिखाती है यूज़र्स के सर्चिंग के बेसिस पे। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों में एंटर हो जाते हैं तो आपको इसी तरीके की सजेशंस आती रहती हैं और आप उसके अंदर एक एक के बाद एक फंसते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। आपके बाद फिर ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, आपको काफ़ी परेशानी का आगे सामना करना पड़ सकता है। सो साइंस ऑफ बुलिंग, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप पता करते हैं कि जो आप बुली हुए हो या आप कर रहे हो। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे तो आप उनके बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने फैमिली मेम्बर से इंट्रैक्शन कम कर दिया है, फ्रेंड्स से एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं, दोस्तों से कम मिलता है, या फिर जो ग्रुप्स वगैरह स्कूल गैदरिंग उन सबको अवॉइड करता है, लोगों के बीच में जाने से मना करता है अचानक से। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे जाता है ग्रुप्स में, बच्चे आजकल ग्रुप्स बने होते हैं तो वहाँ पे उनको बेकार कमेंट सुनने को मिलते हैं, तो वो बच्चों से दूर होने लग जाते हैं। वो जो नॉर्मल बच्चे लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं उन सबको अवॉइड करके वो घर में चुपचाप बैठना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो बुली हुआ है या नहीं हुआ। सो जैसे कि इंटरनेट यूज़ करते हैं बच्चे, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आजकल डिजिटल लाइफ हो गई है, सब डिजिटल है, सब बच्चों को पास स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, तो आपको अपने एज अ पेरेंट आपको उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं या किस तरीके का एक्सेस कर रहे हैं डेटा। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर आ जाते हैं जैसे सेलफोन्स, यूजिंग स्टॉप कंप्यूटर्स, सेलफोन एकदम से अचानक से सेलफोन या कंप्यूटर यूज़ करना बंद कर दें, तो ये सब चीज़ें आपके उनके बिहेवियर में दिखने को मिलेंगी। तो इनसे आपको पता लग जाएगा कि वो साइबर बुली हुआ है या नहीं हुआ। सो अगर वो हुआ है, व्हाट कैन आई डू अबाउट साइबर बुलिंग, अगर वो साइबर बुलिंग का शिकार हुआ है तो वो क्या क्या कर सकता है, ये भी टिप्स हमने नीचे अवेलेबल करवा रखी हैं। जैसे कि देखिए, टेल समवन, उनको मतलब अपने आसपास वाले पर्सन को जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, पेरेंट्स हो गए या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो गया या फिर फ्रेंड्स हो गए या कोई सीनियर हो गया, टीचर्स हो गए स्कूल्स में, आप उनको जाके बता सकते हैं इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें, वॉक अवे, या तो उन सबसे दूर रहिए, उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, ये मैक्सिमम चीज़ें हैं आपके, ताकि आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो अपने आप ही बच के रहेंगे। एक ऑप्शन है रिपोर्ट बुलिंग। आप सोशल मीडिया साइट्स पे इजीली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ब्लॉक का, रिपोर्ट का, आप उन अकाउंट्स को इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो इजीली ऑप्शंस अवेलेबल हैं गूगल में, वेरिजोम में, कॉम्पैक्ट में, इन सब चीज़ों पे ईमेल सर्विसेज हैं, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे आप इजीली उनको ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी अकाउंट से किसी भी तरह के बेकार कमेंट्स आपके पास सुनने को मिल रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई आपके फ़ोटोज़ के ऊपर ऐसे कमेंट्स करता है, तो आप उनको इजीली वहाँ पे अकाउंट से रिपोर्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया बड़े एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में और वो तभी के तभी इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं, तो इससे बच सकते हैं। देखिए, ब्लॉक द बुली आ गया, ये मैं पहले भी करता, आप उन सबको ब्लॉक कर सकते हैं, हर एक फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में, सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ऑनलाइन अकाउंट्स में, सब जगह ब्लॉक का ऑप्शन आजकल अवेलेबल है। तो जिस भी तरीके से अगर आपको इस तरीके का कोई पर्सन मिलता है या इस तरीके की सिचुएशन फेस करने को मिलती है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं तभी के तभी। बी सेफ ऑनलाइन, जो भी आप साइट्स ऑनलाइन यूज़ करते हैं या आप एक्सेस करते हैं, आप उनसे सेफ ब्राउजिंग ही करें। सेफ ब्राउजिंग का मतलब है जो भी आप फोटोज़, वीडियोज़, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप किसी को भी ऐसी अपलोड मत कर दीजिए, उन सबसे सिक्योर रहिए ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे। आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं आप पेरेंट्स के साथ शेयर करके रखिए, ताकि गार्जियंस के साथ, ताकि वो भी देख सकें आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो बच्चे हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। टीनेजर्स की वो इतनी नॉलेज नहीं होती, उनका माइंड सेट मतलब ओपन नहीं होता कि वो इस तरीके की सिचुएशंस हैंडल कर सके। तो इन सब तरीक़ों से आप बचा सकते हैं उसको सेफ ब्राउजिंग के थ्रू। अब बात करते हैं इफ़ अ फ्रेंड इज़ अ बुली, मतलब कि अगर आपका दोस्त बुली होता है
तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अगर जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन सुनी है, अगर आपको फ्यूचर में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप ये वीडियोस, ये आर्टिकल उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस मिले कि किस तरीके से वो साइबर बुलिंग से बच सकते हैं, किस तरीके से उनसे अटैक होने से या प्रॉब्लम में फेस आने से बच सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन हमने फॉलो अप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमने दिखा रखे हैं इसके अंदर, कि साइबर बुली से किस तरीके से बचा जा सकता है, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया ये सब आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप बच सकते हैं। जो भी है अपना स्टैंड लें, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करें, बताएं उन्हें, टीचर्स हो गए, गार्जियंस हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो उन सबको आप शेयर करिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस ना करें अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, तो आप इसको शेयर करते रहिए, ये एक हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक स्टेप है, ताकि जितनी ज़्यादा हो सके अवेयरनेस बढ़ सके। और नीचे हमने इसमें इंस्टाग्राम लिंक्स भी अवेलेबल करवा रखा है हमारे अकाउंट का, साइफर अड्डा का, तो जहाँ पे साइबर बुलिंग से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें, और हमारे यूट्यूब चैनल तो है ही, आप उसे फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी इन्फॉर्मेशन, ताकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज़।